हे गाइस, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। मैं नंदी भाई का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल बोलो विज्ञान में। तो गाइस, आज के क्लास में देख रहे होंगे परजेंट परफेक्ट टेंस का डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। परजेंट परफेक्ट टेंस का डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो गाइस, आज हम मजेदार टॉपिक के साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना, मजे के साथ पढ़ेंगे और उसके बाद धीरे धीरे सीखेंगे। चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं उसके बाद। तो गाइस देखिए, तो गाइस आइए, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था इसके लिए। चलिए गाइस, तो देखिए पहले सबसे पहले परजेंट परफेक्ट टेंस, गाइस परजेंट परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन। पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में, अगर नहीं देखे होंगे वीडियो को तो पहले पिछले वाला वीडियो देखिए, पार्ट फोर का, उसके बाद पार्ट फाइव ये आ रहा है। तो सबसे पहले गाइस देखे होंगे डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव का मतलब होता है जो सेंटेंस डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू, जो विभाग डब्ल्यू एच से शुरू। डब्ल्यू एच का मतलब होता है गाइस व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, व्हिच, व्हेन, वेयर एंड होम। तो गाइस जो सेंटेंस डब्ल्यू एच से शुरू होता है उसे डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बात समझते हैं, और उसी में नहीं लगा हुआ होता उसे डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो सबसे पहले गाइस परजेंट परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन चुके हैं जिस विभाग के मुख्य क्रिया के अंदर चुके हैं लगा रहे उसे परजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। बगल में गाइस काम लगा हुआ है, चलिए तो देखते हैं। पहले आप लोग थोड़ा सा मैंने चीज़ ठीक हो गया। चलिए तो चुके हैं तो डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव का, तो सबसे पहले गाइस एग्जांपल देखिए, एग्जांपल समझते हैं। मैं कब अंग्रेजी अंग्रेजी नहीं सीख चुका, वह क्यों तुमसे प्यार करता है, करती तुमसे प्यार नहीं करती है वह क्यों, सॉरी बहुत मिस्टेक हो रहा, वह क्यों नहीं तुमसे प्यार करती है। प्यार है ना, इश्क, इश्क यानी कि मेरे जान दिल को तेरे इश्क ने जिंदा किया, फिर तेरे इश्क ने ही इस दिल को तबाह किया, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया, तो लुट गए हम तेरी पढ़ाई में, सॉरी गाइस आपको मन से पढ़ा रही है ना, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, तुम लोग पढ़ते रहो ऐसा मैं हमेशा कहता रहूं। आप लोग मन लगा कर पढ़ाई करते रहो,
बिना तपे हुए दिल को मन से लगा कर पढ़ना है, पढ़ के अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। पढ़ाई करें हम पढ़ाई करें। चलिए गाइस सबसे पहले राम कहाँ नहीं पढ़ने जाता है, जा चुका है, जा कर चुकी है, चुका है। तो आइए गाइस, यानी जिस दिन बात के मुख्य अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो मैं कब अंग्रेजी नहीं सीख चुका हूं। तो यानी कि पहले कब बताते कि मैं कब अंग्रेजी सीख चुका हूं, तो डब्ल्यू एच अगर इसमें नहीं लगा रहेगा तो डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव। अब वह क्यों नहीं तुमसे प्यार कर चुकी है, क्यों नहीं प्यार कर चुकी भाई, तुम्हें कोई गलती देखी होगी, कोई खोट होगा, कोई दोष होगा तब ना। चलिए तो यानी कि बउआ गलत नहीं समझना है, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेट माइंड को ओनली फोकस, ठीक है ना। राम कहाँ नहीं पढ़ चुका है, तो यानी कि राम कहाँ पढ़ चुका है डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव, और कहाँ नहीं पढ़ चुका है डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव। तो आइए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, पता नहीं है बहुत मूड नहीं, रूल ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन हमारे साथ जो भी हो हम आपको कहानी के लिए छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, एकदम कभी नहीं छोड़ सकते हैं, हमेशा रेगुलर वीडियो आएगा, भले थोड़ा लाइट वेट का प्रॉब्लम होती उस दिन गाइस जाओ, अभी बरसात के मौसम है तो लाइट की दिक्कत आ जाती है, इसके कारण वीडियो नहीं बन पाता है, अपलोड करके नहीं हो पाता है, अब शायद नहीं रहते हैं, कभी डिस्टर्ब रहते हैं, कहीं गए हुए रहते तब नहीं बनता है ना। तो हमेशा मेरा प्रयास रहता है कि हम अपना वीडियो आपको हमेशा पहुंचाते रहें, अपना कलास का वीडियो हमेशा आपको देते रहें यूट्यूब पे, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले रूल ऑफ स्ट्रक्चर, डब्ल्यू एच वर्ड्स प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट प्लस इंटरोगेशन है। डब्ल्यू एच वर्ड्स प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3, सॉरी गाइस, ओ गाइस, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस गाइस V3 दिख रहा है V3। उसके बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट प्लस इंट्रोगेशन है। तो देखिए गाइस, अब बोल रहा है डब्ल्यू एच वर्ड, तो डब्ल्यू एच वर्ड बताए गाइस कब क्यों कहाँ ये सब क्या है डब्ल्यू एच वर्ड। उसके बाद हैज या है, तो हैज या है किसके साथ लगता है ये हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, अगर नहीं देखे हैं तो जाके पिछले वीडियो को विजिट करके देख लीजिए, ठीक है ना, पिछले वीडियो में देख लीजिए जाके, और उसके बाद पार्ट देख लीजिएगा, और उसके बाद देखिए इसके अनुसार। उसके बाद कुछ कह रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का, उसके बाद नॉट यानी नहीं, उसके बाद V3 यानी भारत का चिन्ह, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, उसके बाद इंट्रोगेशन साइन। तो सबसे पहले यह मैं बनाता हूँ पहला, मैं कब अंग्रेजी नहीं सीख चुका हूँ, तो मैं कब, तो कब का इंग्लिश क्या होता है, तो कब का वेन। अब गाइस उसके बाद कुछ कह रहा है क्या है, तो मैं सब्जेक्ट है मैं, तो आई आई के साथ है जाता क्या है, तो वेन है, और उसके बाद आई, और उसके बाद गाइस क्या कह रहा है नॉट, तो नहीं का नॉट, और उसके बाद V3 तो सीखना होगा भर भर V3 LERN लर्न भी भर, और उसके बाद T लगा देते V3, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, तो ऑब्जेक्ट कुछ हो गया इंग्लिश यानी अंग्रेजी, तो इंग्लिश, और उसके बाद इंट्रोगेशन साइन। चलिए दूसरा देते हैं, वह क्यों नहीं तुमसे प्यार कर चुकी है, वह तुमसे क्यों नहीं प्यार कर चुकी है, वह क्यों नहीं तुमसे प्यार कर चुकी है, तो वह क्यों का इंग्लिश गाइस व्हाई, क्या गाइस व्हाई, और उसके बाद व्हाई, और उसके बाद
वह, तो उसके बाद कुछ कह रहा है क्या, तो वह क्या होता है सी है, लड़की है, तो सी के साथ क्या है, तो है और उसके बाद सी और उसके बाद गाइस नॉट। अब प्यार करने की लव, तो लव का भी थी लव और तुमसे के यू, समझ में आ रहा गाइस। अब देखिए राम कहाँ नहीं पढ़ चुका है, तो राम कहाँ नहीं पढ़ चुका है, कहाँ के वेयर, और उसके बाद राम नाम है गाइस, तो नाम के साथ है लगता कि है वो है, और उसके बाद राम और उसके बाद कुछ कह रहा है नॉट। अपना का रीड रीड का भी रीड, समझ में आया गाइस। चलिए समझ में आया तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक ये स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मिलते हैं एच डब्ल्यू के साथ। चलिए तो चलिए गाइस, आपके सामने एच डब्ल्यू लिखा के तैयार हो चुका है और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियोज को लाइक कर देंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, ऑल द बेस्ट।